हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो टारगेट रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स K3SSC, SGPGI, ठीक है, और साथ में ESIC। ठीक है, आपका K3SSC का एग्ज़ाम सबसे पहले है, ठीक है, तो क्लासेज भी जो है उस एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही रहेगी। और साथ में हम देख पा रहे हैं कि जो ESIC है उसका एग्ज़ाम भी अब नियर बाई है, ठीक है, और जो SGPGI है उसका एग्ज़ाम भी नियर बाई, तो सिमिलर थोड़ा इनका यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है। आपके जो थ्योरी पोर्शन है वहाँ से ज़्यादा MCQs आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो सभी लोग जो है आप अपनी थ्योरी को जो है और अच्छी स्ट्रांग बनाइए, और जिससे कि आपका एक तो नेगेटिव मार्किंग कमी कम होगी और आप में जो है कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि हाँ आपके जो क्वेश्चन है वो अच्छे निकल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। फर्स्ट MCQ आप सभी के सामने, फर्स्ट MCQ है, ए नर्स टेकिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विद चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सडनली नोटिस दैट देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन द वाटर सील ट्यूब। अब नर्स एक केयर कर रही है पेशेंट की, क्या है पेशेंट के अटैच में चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज यहाँ पे प्लेस्ड है पेशेंट के चेस्ट में। सडनली नर्स नोट कर रही है कि वहाँ पर जो है जो ड्रेनेज है वहाँ पे, ठीक है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का जो किट है उसके अंदर जो है यहाँ पे किसी प्रकार का यहाँ पे फ्लक्चुएशन शो नहीं हो रहा है वाटर सील ट्यूब के अंदर, ठीक है, जो चैम्बर रहता है वाटर सील ट्यूब से जो चैम्बर बनाया हुआ रहता है अपना उसके अंदर जो है किसी प्रकार का वहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा वाटर के अंदर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट। अब यहाँ पर जो है नर्स अपना सबसे पहले एक्शन कौन सा करेगी, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि सबसे पहला एक्शन नर्स यहाँ पे क्या करेगी जब फ्लक्चुएशन ना देखने को मिले वाटर सील ट्यूब में या फिर वाटर सील चैम्बर में। टर्न द पेशेंट टू द अनअफेक्टेड साइड, पेशेंट को हमें टर्न करना है अनअफेक्टेड साइड में। इन्फॉर्म द फिजिशियन, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। चेक द ट्यूबिंग टू एंश्योर देयर इज नो किंकिंग, हमें जो है अगर ट्यूब में कुछ किंकिंग तो नहीं हुआ है उसके लिए हमें चेक करना है, एंश्योर करना है। स्टार्ट मिल्किंग द चेस्ट ट्यूब, हमें क्या करना है मिल्किंग शुरू कर देनी है चेस्ट ट्यूब की। तो क्या आंसर रहेगा एज ए नर्स, अगर आपके सामने ऐसा कोई पेशेंट है और आप वहाँ देख रहे हो कि उसके चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन नहीं है, ऑसिलेशन वहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहने वाला है। क्या आंसर रहेगा अपना, तो आपको जो एग्जाम के अंदर है इसी प्रकार का आपको MCQs देखने को मिलेंगे, ठीक है, K3SSC SGPGI के अंदर और स्पेशली ESIC के अंदर आपके थियोरी पोर्शन से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, चेक द ट्यूबिंग टू एंश्योर देयर इज नो किंकिंग, ठीक है, अगर हमें देखना है कि वहाँ पे कोई किसी प्रकार का किंकिंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई रुकावट तो नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए जी हमें क्या करना है वो ट्यूबिंग को असेस करना है कि ट्यूबिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्स का फंक्शन यही रहने वाला है कि चेक द ट्यूबिंग, हमें ट्यूबिंग को असेस करना है ताकि वहाँ पे कोई किसी प्रकार का किंकिंग नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अब देखिए किंकिंग यहाँ पे जो यहाँ पे असेस करना है, अब ये फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, फ्लक्चुएशन क्यों जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या असेस करना है, अगर फ्लक्चुएशन प्रॉपर तरीके से हो रहा होगा मतलब क्या है चेस्ट ट्यूब जो है वो क्या कर रही है अपना फंक्शन कर रही है, ठीक है। अब आप कैसे फंक्शन को असेस करोगे, ठीक है, कैसे फंक्शन असेस करेंगे, उसका जो वाटर सील बैग है, वाटर सील बैग को हम क्या करते रहेंगे यहाँ पे असेस करते रहेंगे, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पर जो है आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन यहाँ पे वाटर का जो है ऑसिलेशन देखने को मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या है कि जो आपका चेस्ट ट्यूब है वो अच्छे से क्या है फंक्शन कर रहा है। कौन कौन से प्रॉब्लम्स के अंदर हम चेस्ट ट्यूब का प्लेसमेंट करते हैं इससे भी MCQ पूछते हैं कई बार, तो देखिए एक होता है न्यूमोथोरिक्स, इसके बाद में सेकेंड वन हीमोथोरिक्स, जनरली इन दो कंडीशन के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे चेस्ट ट्यूब का यूज में लिया जाता है। थर्ड वन हम ले सकते हैं काम में प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, जनरली फर्स्ट एंड सेकेंड में ज़्यादा काम में लेते हैं बट थर्ड प्लूरल इफ्यूजन के अंदर भी हम काम में ले सकते हैं चेस्ट ट्यूब को।
नेक्स्ट इसी के आगे एक और एमसीक्यू आप सभी को देखना चाहेंगे अपन लोग कि इसके अलावा और क्या एमसीक्यू बनता है, रिमूव ऑफ चेस्ट ट्यूब या फिर चेस्ट ट्यूब का हमें रिमूव कब करना है। तो देखिए, चेस्ट ट्यूब रिमूव्ड नया एमसीक्यू बन सकता है। कब हमें चेस्ट ट्यूब रिमूव करना है, देखिए सबसे पहले तो अगर लंग जो है वो कंप्लीट एक्सपांड कर रहा है, अच्छे से यहाँ पे लंग एक्सपेंशन हो रहा है, तो हम चेस्ट ट्यूब रिमूव कर सकते हैं। सेकंड जहाँ से एमसीक्यू बनता है वो है चेस्ट ट्यूब के अंदर जो आउटपुट है, ठीक है, लंग से जो निकलने वाला आउटपुट उस चैम्बर के अंदर कितना होना चाहिए, लेस देन 100 सीसी इन 24 आवर्स। तो ये थोड़ा एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम्स के अंदर। तो चेस्ट ट्यूब हमें रिमूव कब करना है, या तो अपना जो लंग्स अच्छे से एक्सपांड होने लगे या फिर जो आउटपुट है वो आपको 100 सीसी से कम देखने को मिले। ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, द टाइप ऑफ फ्लूड विच कॉज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, वाटर को जो शिफ्ट करवा रहा है सेल से ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ऐसा कौन सा फ्लूड का टाइप होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और एल्बुमिन। ठीक है, ऐसा फ्लूड का टाइप जो वाटर को शिफ्ट करता है सेल से ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ऐसा कौन सा टाइप होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या फिर एल्बुमिन। आपके सारे एमसीक्यूज जो है आपको थ्योरी से ही देखने को मिलेंगे, तो अपनी थ्योरी को जो है आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। बाकी अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसको भी आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं अच्छे से प्रिपरेशन के लिए, और जो है आपका जो डेली जो आपका सेशन चलता रहेगा यूट्यूब के ऊपर वो तो उनको तो आप सभी को जो है डेली लेना ही है, अपने सेशंस को स्किप नहीं करना है कभी भी। तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, देखिए तीन टाइप के जो है हम यहाँ पे जनरली फ्लूड पढ़ते हैं, तो तीन टाइप के फ्लूड में कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आइसोटोनिक, सेकेंड वन हाइपोटोनिक एंड थर्ड वन हाइपरटोनिक। अब इससे पहले आपको एक बात जान लेनी है कि नॉर्मल ऑस्मोलरिटी कितनी होती है प्लाज्मा की, यह होती है 282-295 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, ये आपकी क्या है, नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी रहती है, जिसको जो है कुछ बुक्स में 280 की जगह 275 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे अपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसी के सिमिलर अगर रेंज पूछे तो इन्हीं के सिमिलर आपको एग्जाम में एमसीक्यू में ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। देखिए तीन टाइप के होते हैं, सबसे पहला आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है, जो सोल्यूशन रहता है, ठीक है, वो सोल्यूशन रहता है वो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का रहता है, ठीक है, एज बॉडी फ्लूड। जो बॉडी फ्लूड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वही जो है सॉल्यूशन का, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का जो है यहाँ पे इक्वल रहता है। हाइपोटोनिक के अंदर क्या रहता है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड हाइपरटोनिक में हायर ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है। कंपेयर कर रहे हैं अपन बॉडी फ्लूड के, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। बॉडी फ्लूड सॉल्यूशन की हम कंपेयर करेंगे तो इनमें इस टाइप का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहता है। अब आइसोटोनिक के अंदर जो है इक्वल रहता है बॉडी फ्लूड के ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ पर जब हम यहाँ पे फ्लूड जब पेशेंट को देते हैं तो इसमें कोई किसी प्रकार का सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलता है और यहाँ पे नॉर्मल फ्लूड बैलेंस रहता है। अब देखते हैं, अपन बात करते हैं हाइपोटोनिक की। तो हाइपोटोनिक की वजह से क्या होता है, वाटर जो है, वाटर टू मूव इनटू सेल्स, ठीक है, यहां पर क्या होगा, हाइपोटोनिक की वजह से लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होने की वजह से जो वाटर है वो सेल के अंदर चला जाएगा और सेल को क्या करवा देगा, स्वेलो। ठीक है, अब देखो ये जो कंडीशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है कौन सी कंडीशन में देना चाहिए, तो देखिए डिहाइड्रेशन में एंड हाइपरनेट्रीमिया में,
ठीक है, पूछा गया एमसीक्यू है, ठीक है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, हाइपर नेट्रीमिया की कंडीशन में जो है फ्लूड आपको जो कौन सा यहाँ पे देना चाहिए, आंसर क्या अपना क्या रहेगा, हाइपोटोनिक, या फिर हम कह सकते हैं स्लाइटली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। या फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक में क्या रहता है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, तो यहाँ पे जो फ्लूड है, फ्लूड मूव्स आउट ऑफ द सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स से जो है फूल आउट हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। द टाइप ऑफ फ्लूड विच कॉज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम द सेल इन टू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, यही आपको यहाँ पे समझाया गया है। आगे हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे हम यहाँ पे फर्दर नए नए एमसीक्यूज पढ़ते जाएंगे डे बाई डे, ये जस्ट अपना समझने के लिए कि इस प्रकार के एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में, इसलिए आप सभी को रॉन्ग नहीं करके आना है। और एमसीक्यू ये भी पूछते हैं कि जब एडिमा हो तो कौन से टाइप का फ्लूड सॉल्यूशन दिया जाना चाहिए, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया जाना चाहिए। अब हाइपरटोनिक जब सॉल्यूशन देंगे तो क्या होगा, सेल से फ्लूड बाहर आएगा, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है पेशेंट को, हाइपरवोलेमिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन से फ्लूड आते हैं इसके अंदर, तो देखो 3% नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, 5% डीएनएस इन, ठीक है, 5% जो डेक्सट्रोज है नॉर्मल सेलाइन के अंदर, वो 5% डेक्सट्रोज है जो आरएल के अंदर है, ठीक है, वो सब किस में आएंगे आपके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आएंगे आपके। और हाइपोटोनिक में कौन कौन सा आता है आपका, 0.45% एनएस जो है वो किस में आती है, हाइपोटोनिक में आती है, इसमें तो क्या रहता है 0.9% एनएससीएल रिंगल लेक्टेंट, ठीक है, और 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ये सारे किस में आते हैं, आइसोटोनिक में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, ओके नेक्स्ट एमसीक्यू जाने से पहले आप सभी के लिए यहाँ पे एक एमसीक्यू है, जब हम चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट करते हैं तो इसके लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहता है, क्वेश्चन आता है सेफ्टी ट्रायंगल करके, ये सेफ्टी ट्रायंगल वाले एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब को प्लेसमेंट करते हैं। सेफ्टी ट्रायंगल कौन कौन बनाता है, देखिए पेक्टोरलिस मेजर, सेकेंड वन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, एंड थर्ड वन जो है कौन सा, लैटिसमस डोर्सी। ये तीनों मिलके क्या करती है, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है, और इस ट्रायंगल के बीच में हमें क्या करना होता है, चेस्ट ट्यूब को प्लेसमेंट करना होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी ट्रायंगल। यहाँ से आपको जो है एक्सेप्ट करके एमसीक्यू पूछा जा सकता है, थोड़ा एडवांस लेवल का हो गया आपने यहाँ पे, बट ईएसआईसी के अंदर आपको इस प्रकार का एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, वो हर बार कुछ न्यू एमसीक्यूज को लेके आती है, इसलिए आप सभी को उसके लिए प्रिपेयर रहना है। अपॉन असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट द नर्स नोटिस ब्रेडिकार्डिया, वीजिंग साउंड एंड ए रेस्पिरेटरी रेट 10 ब्रीथ्स पर मिनट। जब हमें क्लाइंट को असेस कर रहे हैं, हमें हमने क्या नोटिस किया, ब्रेडिकार्डिया, वीजिंग एंड रेस्पिरेटरी रेट कितनी है वहाँ पे, 10 ब्रीथ पर मिनट है। दीज साइन आर इंडिकेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, अब ये जो साइन है ये कौन सी फॉलोइंग कंडीशन को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, डिलेरियम, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपोक्सिया या फिर हाइपरपनिया, कौन सी कंडीशन यहाँ पे शो हो रही है। हम क्लाइंट को असेस कर रहे हैं, ब्रेडिकार्डिया है, वीजिंग है, रेस्पिरेटरी रेट 10 ब्रीथ पर मिनट है, तो कौन सी साइन सिम्टम यहाँ पे, कौन सी फॉलोइंग कंडीशन यहाँ पे असेस हो रही है। तो देखिए जब ब्रेडिकार्डिया हो, वीजिंग आपको साउंड सुनाई दे और रेस्पिरेटरी रेट जो है 10 ब्रीज पर मिनट हो, मतलब यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है रेस्पिरेटरी रेट क्या है पेशेंट की, कम है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया भी हो रहा है, ठीक है, और ये जो कंडीशन है ये किसको डायरेक्टली इंडिकेट करती है, ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है पेशेंट को, हाइपोक्सिया हो रहा है, और हाइपोक्सिया की कंडीशन में इस प्रकार के साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। देखिए एमसीक्यू पूछते हैं हाइपोक्सिया के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, देखिए आरएटी, ठीक है, आरएटी मिनोमिक है, आर से क्या हो जाएगा, रेस्टलेसनेस, ठीक है, ए से क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे एंजाइटी, एंड टी से क्या हो जाएगा, टेकीकार्डिया। अब देखिए ये जो सारे साइन सिम्टम बता रहा हूं मैं, ये कब आते हैं, अर्ली के अंदर,
है, सबको लगा होगा कि एमसीक्यू में तो ब्रैडीकार्डिया पूछा है, यहाँ पे सर ने टेकीकार्डिया कैसे लिखवा दिया। ये सारे कंडीशन जो है कब आते हैं, अर्ली के अंदर, ठीक है, जब पेशेंट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा होता है तब, ठीक है, अर्ली पीरियड के अंदर। मगर देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रैडीकार्डिया। अब हम डिस्कस करेंगे लेट साइन को। लेट साइन में क्या होता है, BED, ठीक है, बी से क्या होगा, ब्रैडीकार्डिया। ई से क्या होगा, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस। एन यहाँ पे डी से क्या होगा, डिस्निया। तो ये कौन से साइन होते हैं, लेट साइन ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया पढ़ रहे हैं अपन, हाइपोक्सिया के यहाँ पे लेट साइन है, ठीक है, एडल्ट के अंदर बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले अर्ली में जो है टेकीकार्डिया होगा, उसके बाद में जब कंडीशन बनी रहेगी तब तक, फिर बाद में क्या होगा, पेशेंट में ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलेगा। और ब्रैडीकार्डिया आपको जो है क्वेश्चन में दिया गया है। अब अगर आपसे पूछ ले पीडियाट्रिक का बता दीजिए, तो पीडियाट्रिक के अंदर क्या रहेगा, फीडिंग डिफिकल्टी। फीडिंग में उसको जो प्रॉब्लम होगी, इंस्पिरेटरी स्टाइडर, ठीक है, जब पेशेंट जो है इंस्पिरेशन करेगा तब उसको स्टाइडर फील होगा, ठीक है, नेजल फ्लेयरिंग। नेक्स्ट और क्या देखने को मिलेगा, एक्सपिरेटरी ग्रंटिंग साउंड, ठीक है, और स्टर्नल रिट्रैक्शन। तो सारी कंडीशन जो है कहाँ पे देखने को मिलती है, बच्चों के अंदर, और ये जो है किसमें देखने को मिलती है, एडल्ट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको बच्चा एडल्ट कुछ नहीं पूछा गया यहाँ से, सिंपल सा एमसीक्यू पूछा है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, ये हाइपोक्सिया की कंडीशन है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने, ड्यूरिंग चाइल्ड सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन शुड बी गिवन एट, ठीक है, जब हम बच्चों को सीपीआर दे रहे होते हैं तो इस कंडीशन में हमें चेस्ट कंप्रेशन कहाँ करना चाहिए, ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन कहाँ करना चाहिए ड्यूरिंग सीपीआर, अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम, जीपी स्टर्नम पे, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, या फिर बिलो स्टर्नम। चेस्ट कंप्रेशन कहाँ पे करना है हमें, तो देखिए चेस्ट कंप्रेशन हमें कहाँ पे करना है, ऑप्शन नंबर सी, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में, ठीक है, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में क्या करना है हमें, चेस्ट कंप्रेशन करना होता है। नेक्स्ट आपसे जो पूछा रहता है वो पूछा रहता है कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। ठीक है, कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो पूछा रहा है, तो देखिए इसके अंदर कुछ यहाँ पे अलग अलग आपके जो है यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर एडल्ट में क्या होता है, 30:2, ठीक है, एडल्ट में क्या रहता है, 30:2, भले यहाँ पे एक एक रेस्क्यूअर हो चाहे यहाँ पे दो रेस्क्यूअर हो, कितना दोगे आप, 30:2 का यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्या करते हैं, सबसे पहले 30:2, ठीक है, 30:2 का फॉलो करते हैं जब सिंगल रेस्क्यूअर होता है, और 15:2 का फॉलो करते हैं जब डबल रेस्क्यूअर होते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना चाइल्ड के लिए और इन्फेंट के लिए, ठीक है। अब अगर पूछा जाए नियोनेट के, नियोनेट में कब करना है, नियोनेट में ये जो रेशियो होता है ये होता है 3:1, ठीक है। तो ये एमसीक्यू जो है बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर और पूछे भी जाते हैं। और अगर आपको ये पूछ ले कि वेंटिलेशन जो है एडवांस एयरवे के साथ में कितना यहाँ पे होना चाहिए, तो 1 breath every यहाँ पे 6 to 8 seconds के अंदर अंदर जो है कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए बाकी जो है सीपीआर आगे हम जैसे जैसे एमसीक्यूज पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप सभी को जो है डिस्कस करता जाऊँगा। तो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम अपना यहाँ पे बेस्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। और सीपीआर का सिक्वेंस क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, CAB, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग, यहाँ पे जो है सीपीआर रहता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, अनरेस्पॉन्स चेक करना है, पेशेंट का रेस्पॉन्स कैसा है वो देखना है, ठीक है। फिर आपको जो है यहाँ पे पल्स देखनी है उसकी 10 सेकंड तक,
आगे जो है कंटिन्यू प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ते जाएंगे। चलिए अभी आपने और भी एमसीक्यूज है उनको हमें सोल्व करना है। चलिए चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, K3SE एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है अपने यहाँ पे लॉन्च हो रखी है, ठीक है। K3SE एग्जाम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैटर्न, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न हमने यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। टोटल 40 यहाँ पे जो है मॉडल पेपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं 9588567744 पे, ठीक है। 24/7 जो है आपको यहाँ पे आंसर का जो है क्वेश्चन का आपको जो है रिप्लाई जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा अपना एक और प्लान है K3SE एग्जाम स्पेशल डेली टेस्ट सीरीज को लेके, जहाँ पर हम क्या करते हैं टेस्ट सीरीज जो है आपको डेली यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या होता है डेली लाइव टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जीके रीजनिंग मैथ इंग्लिश, ठीक है, सेपरेट पोर्शन में जो आपको डेली टेस्ट यहाँ पे करवाए जाएंगे। 40 यहाँ पे सब्जेक्ट और टॉपिक बेस्ड टेस्ट रहेंगे, ठीक है, और 80 जो है लाइव मॉडल टेस्ट यहाँ पे जो है अवेलेबल रहेंगे फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट के लिए। चलिए अभी अपन नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन विच द ड्रग इज रब्ड इन टू द स्किन टू गेट एब्जॉर्ब्ड टू प्रोड्यूस ए सिस्टमिक इफेक्ट, ठीक है। ऐसा कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं ड्रग को स्किन के ऊपर रब करते हैं जिससे कि वो क्या हो जाए एब्जॉर्ब हो जाए और अपना सिस्टमिक इफेक्ट को क्या करे प्रोड्यूस करे, ऐसा कौन सा इफेक्ट होता है? इनक्शन, डर्मोजेट, आयंटोप्रोसिस, टॉपिकल एप्लीकेशन। इस प्रकार के रूट ऑफ एडमिशन को क्या कहेंगे जिसमें ड्रग को स्किन के ऊपर स्किन के ऊपर रब किया जाता है जिससे कि वो एब्जॉर्ब हो जाए और अपना सिस्टमिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करे। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहने वाला है वो होगा इनक्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। क्या मीनिंग होता है इनक्शन का कि ऐसी ड्रग जिसको हम क्या कर सकते हैं स्किन के ऊपर रब करें, रब करने के बाद में एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद अपना सिस्टमिक इफेक्ट लेके आएगी, इसे हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इनक्शन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल अगर आपको पूछ ले कि इनक्शन का एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है तो देखिए नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लाइसरीन के जो है ऑइंटमेंट आते हैं उसको जो है यहाँ पे कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो यहाँ पे ये एक प्रकार से इनेक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए डर्मोजेट, डर्मोजेट को हम समझने के लिए हम कर सकते हैं जेट इंजेक्शन। अभी डर्मोजेट कैसे काम करता है तो इसमें क्या होता है हाई वेलोसिटी के साथ हम क्या करते हैं मेडिसिन को जो है या फिर ड्रग को जो है, ठीक है, स्किन में क्या होते हैं माइक्रोफाइन ओरिफिस होते हैं उससे क्या करते हैं हाई वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं हम उसको पास थ्रू करवाते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं ट्रांसक्यूटेनियस इंट्रोडक्शन। ऑफ ड्रग, ठीक है, ये किस प्रकार का होता है ट्रांसक्यूटेनियस रीजन के अंदर डायरेक्टली ड्रग को इंट्रोड्यूस करवाना है तो वो कौन से मेथड से हम करा सकते हैं जेट इंजेक्शन या फिर डर्मोजेट। नेक्स्ट देखिए आयंटोप्रोसिस, क्या होता है आयंटोप्रोसिस? तो आयंटोप्रोसिस के अंदर क्या करता है एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं वीक वीक इलेक्ट्रिकल करंट को जो है यहाँ पे स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं ड्रग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वीक इलेक्ट्रिक करंट के साथ में। अब मैं कह सकता हूँ इसको डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ इसकी जिस प्रकार से ऐसा एग्जाम्पल आपको पूछा है एमसीक्यू बना के वैसे आपके आयंटोप्रोसिस के बारे में पूछ सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन रहेगा वो डिलीवरी ऑफ आयनिक ड्रग इनटू बॉडी बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट, ठीक है। तो स्किन के ऊपर जो है वेरी वीक इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे कनेक्ट करवा के फिर ड्रग को अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, बाय स्किन के थ्रू, ठीक है। स्पेशली स्किन के थ्रू होता है, तो इसे हम प्रोसेस क्या कहते हैं, आयंटो प्रोसेस। एग्जाम्पल अगर पूछ ले आपसे तो देखिए, पेप्टाइड ड्रग, इसके अलावा कोर्टिसोल, कोर्टिसोल जो है इनको अपन इस रूट से भी दे सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट होती है इसी रूट से देने की। तो अब इस आयंटो प्रोसेस के सिमिलरली एक ड्रग और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोनोफोरेसिस। तो फोनोफोरेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, यूएसजी का इस्तेमाल करते हैं ड्रग को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है। ड्रग के मॉलिक्यूल्स को स्किन के अंदर यहाँ पे यूएसजी की मदद से हम यहाँ पे ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, फोनोफोरेसिस। बाकी टॉपिकल एप्लीकेशन, तो स्किन के ऊपर टॉपिकली अप्लाई करना, वो होता है टॉपिकल एप्लीकेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नर्स इज प्रिपेयरिंग इंजेक्शन ऑगमेंटिन टू एडमिनिस्टर। नर्स क्या कर रही है, ऑगमेंटिन को प्रिपरेशन करने के लिए उसको रेडी कर रही है। विल डायल्यूटिंग दिस मेडिकेशन टू एंश्योर कंप्लीट डायल्यूशन नर्स वुड। अब ये जो मेडिकेशन जब डायल्यूट कर रही है नर्स, तो कंप्लीट डायल्यूशन एंश्योर हो तो वो किस प्रकार से इसको डायल्यूट करेगी, नर्स को क्या करना चाहिए ताकि कंप्लीट डायल्यूशन हो जाए। वार्म द डायल्यूएंट, जो हम डायल्यूएंट मिक्स कर रहे हैं उसको वार्म करना होगा पहले। शेक मेडिकेशन वाइल विग्रेसली, मेडिकेशन की जो वाइल है उसको अच्छे से विग्रेसली जो है उसको यहाँ पे शेक करना है। रोल द वाइल बिटवीन द पाम, पाम के बीच में वाइल को रोल करना है। और आफ्टर एडिंग डायल्यूएंट कीप द वाइल एज इट इज। डायल्यूएंट एड करने के बाद में आपको क्या करना है, वाइल को साइड में रख देना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, तो देखिए इजी एमसीक्यू है, डायरेक्ट अपना आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा अपने यहाँ पे, करेक्ट रहेगा, ठीक है। जब कभी आपको पूछा जाए, ठीक है, पाउडर मेडिकेशन, तो पाउडर मेडिकेशन को हमेशा इसके अंदर डिस्टिल वाटर के अंदर और एनएस के अंदर हम यहाँ पे डायल्यूट करते हैं, ठीक है। तो इनके डायल्यूट करने के बाद में हमें क्या करना है, उसको हमें पाम के बीच में रोल करना है, ठीक है। ना तो उसको विग्रेसली शेक करना है, ना उसको साइड में रख देना है, ना पहले से वार्म करने की नीड है, कुछ नहीं करना, बस आपको जो है रोल करना है बिटवीन द पाम्स। ये पूछा गया एमसीक्यू है आपके नॉर्सेट का एमसीक्यू पूछा गया है, हो सकता है आपको ईएसआईसी एसजीपीजी आरएमएल और केएसएससी के अंदर भी इस प्रकार का एग्जाम, सिंपल एमसीक्यू है, थ्योरी बेस अपना एमसीक्यू है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। और जिनका भी नॉर्सेट नहीं हुआ है वो भी इन सब सेशंस को देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी क्लासेस जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्री लेवल की हम यहाँ पे कंप्लीट जो है आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जो प्री के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मगर स्पेशली टारगेट किसके लिए है, केएसएससी एसजीपीजी आरएमएल ईएसआईसी। नर्स इज एजुकेटिंग ए क्लाइंट रिगार्डिंग सबलिंगुअल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। एक नर्स को एजुकेट कर रही है क्लाइंट को सबलिंगुअल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग, ठीक है। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट रहेगा क्लाइंट की ओर से जिसके लिए क्या करना होगा नर्स को, और ज़्यादा फर्दर टीचिंग करनी होगी क्लाइंट को। दीज आर द मेडिकेशन एडमिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ। दीज मेडिकेशंस आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन टू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द ओरल म्यूकोसा। दीज मेडिकेशंस बाईपास द जी आई एंड हिपेटिक सिस्टम। दीज आर द मेडिकेशन एडमिनिस्टर ऑन द टॉप ऑफ द टंग। क्या पूछा आपसे, सबलिंगुअल का पूछा, तो क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर देखो नीड फॉर फर्दर टीचिंग का आपसे पूछा गया है, तो नीड फॉर फर्दर टीचिंग आपको किस में लग रही है, कौन से ऑप्शन में लग रहा है, तो देखिए दीज मेडिकेशंस आर एडमिनिस्टर ऑन द टॉप ऑफ द टंग। ये जो मेडिकेशन है टॉप ऑफ द टंग पे नहीं ली जाती है, ईजी एमसीक्यू है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ से एमसीक्यू ये बनेगा कि ये कौन से रूट से जो है इनका एब्जॉर्प्शन होता है। सबलिंगुअल मेडिकेशन हम यहाँ पे देते हैं तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कौन से रूट से होता है, तो देखिए पैसिव डिफ्यूजन, तो पैसिव डिफ्यूजन यहाँ पे होता है प्रोसेस, जिसकी वजह से इसका क्या होता है एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और हम कहाँ करते हैं इसको,
ठीक है, प्लेस अंडर द टंग, ठीक है, हमें यहाँ पे जब तक अंदर अंडर द टंग यहाँ पे प्लेस करना होता है जब तक ये डिजोल्व ना हो जाए। रीजन क्या है इसका ये इसे करने के लिए, एक तो क्या होता है यहाँ पे रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, सेकंड क्या देखने को मिलेगा अपने को सलाइवा जो है इसको जो है डाइल्यूट करने में हेल्प करता है, और थर्ड क्या होता है ये जो है बाईपास करता है आपके जीआई और हिबेटिक सिस्टम मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, तो यहाँ पे इस एमसीक्यू का अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन सी ड्रग दी जाती है यहाँ पे, तो देखिए एग्जांपल की हम देखें ड्रग्स का नाम देख लेते हैं, तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो हम पढ़ते हैं वो है नाइट्रेट्स, इसके बाद में जो ड्रग है वो है एनाल्जेसिक, में एनाल्जेसिक में क्या दे सकते हैं आप बुप्रिनोरफिन, और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं स्टेरॉइड्स की, तो स्टेरॉइड में क्या दे सकते हैं एस्ट्राडियोल एंड पेप्टाइड, पेप्टाइड ड्रग्स इनको यहां से जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं, और एंटी हाइपरटेंसिव एक और होती है कौन सी निफेडिपिन, इनको भी यहां से हम सबलिंगुअली रूट से प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हील असेसिंग ए 60 ईयर ओल्ड बेड रिडन पेशेंट फॉर प्रेशर अल्सर द नर्स नोटेड ए फुल लॉस ऑफ स्किन टिश्यू एंड दैट इज एक्सटेंडिंग टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, फुल लॉस स्किन टिश्यू है वहां पे, ठीक है, प्रेशर अल्सर हुआ उसको, बेड रिडन पेशेंट था, फुल लॉस स्किन टिश्यू है वहां पे और एक्सटेंड हो चुका है वो कहां तक, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक। सी डॉक्यूमेंट द प्रेशर अल्सर इज, अब यहाँ पे जो है कौन सा टाइप का प्रेशर अल्सर है, नर्स यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ले लीजिए स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर, तो कौन सा यहाँ पे प्रेशर अल्सर नोटेड करेगी नर्स यहाँ पे, फुल लॉस है स्किन टिश्यूज का, साथ में सब क्यूटेनियस टिश्यू तक जो है वो फैल चुका है, सो वॉट विल बी द आंसर। तो देखिए आपको यहाँ पे पूछा गया है इस स्टेज आपको पूछिए, तो देखो स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, स्टेज फर्स्ट में होता है नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस, ऑफ ए लोकलाइज्ड एरिया, यहाँ पे केवल किसी एक लोकलाइज एरिया के ऊपर केवल जो है आपको यहाँ पे रेडनेस देखने को मिलती है, वो भी कैसी रहती है नॉन ब्लेंचेबल, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, आपको क्वेश्चन में क्या बताया गया फुल लॉस ऑफ स्किन टिश्यू का जो है फुल लॉस हो चुका है, साथ में कहाँ तक पहुंच गया सबक्यूटेनियस टिश्यू में। चलिए अब स्टेज टू के अंदर क्या देखने को मिलता है, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस, अब आपको तो यहाँ पे फुल लॉस है मगर यहाँ पे क्या हुआ पार्शियल थिकनेस, पार्शियल थिकनेस में यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व हुआ है, सबसे पहले एपिडर्मिस उसके बाद में डर्मिस, ठीक है, और इसके अंदर जो है ब्लिस्टर्स भी आपको जो है बने हुए देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टेज थर्ड, स्टेज थर्ड में देखो क्या है, सबसे पहले तो फुल लॉस ऑफ स्किन टिश्यू, स्किन टिश्यू का फुल लॉस है, और ये आपको पूछा भी गया स्किन क्वेश्चन के अंदर ऐसा कौन सा स्टेज इसमें स्किन टिश्यू का फुल लॉस हो रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा सबसे पहले फुल लॉस किसमें हो रहा है, स्टेज थर्ड के अंदर, और ये एक्सटेंड होता है कहाँ तक, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक, ये क्या होता है एक्सटेंड होता है, और इसके बाद में ये एरिया क्या हो सकता है नेक्रोटिक और डैमेज। चलिए अब जब बात करते हैं स्टेज फोर की, स्टेज फोर में अगेन यहाँ पे क्या रहता है फुल लॉस ऑफ स्किन टिश्यू, ठीक है, प्लस डैमेज ऑफ मसल्स, बोन एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स या फिर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे क्या हो जाती है डैमेज हो जाती है, तो ये चार टाइप के जो आपके प्रेशर अल्सर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आप जो पूछा रहता है वो पूछा रहता है ड्रेसिंग से रिलेटेड, तो देखिए अप्लाई करना है हमें टॉपिकल, सबसे पहले क्या अप्लाई कर सकते हो इंसुलिन, ताकि वहाँ पे बैक्टीरियल जो है ग्रोथ है वो, बैक्टीरिया क्या चाहिए ग्रोथ के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, तो इंसुलिन डालोगे वहाँ पे तो जो है
डायबिटिक पेशेंट में स्पेशली हेल्थ हेल्प करता है, नॉन डायबिटिक में भी हेल्प कर सकता है ये, ठीक है। तो इंसुलिन टॉपिकल इन्फेक्शन जहाँ पे प्रेशर अल्सर हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, ऑन वुंड के ऊपर क्या करेंगे, इंसुलिन प्लस वाटर प्रूफ ऑइंटमेंट से हमें क्या करनी है, ड्रेसिंग करनी है, ठीक है। फर्दर थोड़ा अच्छा एमसीक्यू है वो, चेंज पोजीशन एवरी टू आवरली, वो सब पुराने एमसीक्यू हो चुके हैं, वो पूछते भी है नहीं भी पूछते हैं, मगर ऐसे एमसीक्यू जो है भी रिसेंट में ट्रेंड में चल रहा है, आता है एग्जाम के अंदर। तो वाटर प्रूफ ड्रेसिंग के अंदर अगर पूछे आपसे तो कैसी ड्रेसिंग रहेगी, जिंक ऑक्साइड, ये सारे सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जिंक ऑक्साइड रिलेटेड अपन जो है यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं प्रेशर अल्सर के अंदर। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू जो पूछा जाता है अपने को प्रेशर अल्सर रिलेटेड, वो होती है स्केल से रिलेटेड। तो कौन सी यहाँ पे मोस्टली स्केल काम में ली जाती है, क्या नाम है, ब्रैडन स्कोर, ब्रैडन स्केल, ठीक है। ब्रैडन स्केल को जो प्रेशर अल्सर को मेजरमेंट करने में काम में आती है, या फिर इसको रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी रिस्क काम में ली जाती है, आंसर क्या जाएगा आपका, ब्रैडन स्केल। इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं टोटल 6, सेंसरी, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन और फ्रिक्शन, टोटल 6 इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं। एमसीक्यू इन कंपोनेंट से बन सकता है, मगर 6 है तो मोस्ट प्रोबेबली इसका एमसीक्यू कंपोनेंट से ना बन के आपको पूछा रहेगा स्कोर से, ब्रैडन स्केल का स्कोर से कितना होता है टोटल स्कोर, टोटल स्कोर कितना होता है 23। और यहाँ पे पूछा रहता है कि अगर स्कोर 19 से लेके 23 है तो मतलब यहाँ पे रिस्क कैसी है, नो रिस्क है यहाँ पे। इसके बाद में स्कोर अगर 15 टू लेके 18 होता है मतलब माइल्ड रिस्क है। नेक्स्ट देखिए 13 टू 14 है अगर, तो यहाँ पे क्या है, मॉडरेट। नेक्स्ट 10 टू 12 तो क्या रहता है, हाई रिस्क। और लास्ट में लेस देन 9 है या फिर 9 है या फिर लेस देन 9 है, इसको हम क्या लिखते हैं, वेरी हाई रिस्क। यहाँ पे जो क्या रहती है पेशेंट को प्रेशर अल्सर होने की, यहाँ पे रिस्क कैसी है, वेरी हाई रिस्क है। बाकी इस टॉपिक में से इजी एमसीक्यू बनेगा तो वो बन सकता है कि सुपाइन पोजीशन में एक पेशेंट है तो उसके प्रेशर अल्सर होने के चांसेस कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, प्रोन पोजीशन में है तो कहाँ पे है, लेटरल पोजीशन में तो कहाँ पे, जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस होगा वहाँ पर प्रेशर अल्सर होने के चांसेस यहाँ पे क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। और एवरी टू आवरली क्या करना है हमें, पेशेंट की पोजीशन को क्या करते रहना है, चेंज करते रहना है। इसके अलावा और कौन सी रिस्क असेसमेंट टूल हो सकते हैं ब्रैडन स्केल के अलावा, तो देखिए दो स्केल और हम पढ़ते हैं, एक होती है नॉर्टन स्केल, एंड सेकंड होती है यहाँ पे वाटर फ्लो स्केल। सॉरी वाटर लो स्केल है, फिर दो स्केल जो है और होती है प्रेशर अल्सर की रिस्क को असेस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कलेक्ट यूरिन स्पेसिमेन आफ्टर वॉइडिंग इज इनिशिएटेड एंड बिफोर इट इज फिनिश्ड। क्या पूछा गया, नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है पेशेंट को कलेक्ट करना है क्या यूरिन स्पेसिमेन आफ्टर वॉइडिंग इज इनिशिएटेड, वॉइडिंग के इनिशिएटेड होने के बाद में और बिफोर इट इज फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश होने के पहले, दिस स्पेसिमेन इज नॉन एज, इस टाइप के स्पेसिमेन को हम क्या कहेंगे, पेशेंट कलेक्टेड स्पेसिमेन, मिड स्टीम स्पेसिमेन, स्टेराइल स्पेसिमेन या फिर कंटामिनेटेड स्पेसिमेन, इस टाइप के स्पेसिमेन को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कि आफ्टर वॉइडिंग इज इनिशिएटेड, वॉइडिंग के स्टार्ट होने के बाद में और बिफोर इट फिनिश्ड, इस टाइप के स्पेसिमेन कलेक्शन को हम क्या कहेंगे। तो देखिए इस टाइप के यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, मिड स्टीम स्पेसिमेन। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा यहाँ पे अपना करेक्ट रहेगा, इसे हम क्या कहेंगे, मिड स्टीम कलेक्शन, ठीक है। और इसको हम ये भी कर सकते हैं मिड स्ट्रीम क्लीन कैच स्पेसिमेन, ये भी जो है कई बार एमसीक्यू के ऑप्शंस में रहता है क्लीन कैच मेथड, ठीक है, या फिर मिड स्ट्रीम क्लीन कैच मेथड कलेक्शन, ठीक है, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। और देखिए अब इसमें कुछ टाइप के कलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो मिड स्ट्रीम कलेक्शन करने का यहाँ पे नीड क्यों है, क्यों करते हैं इसको कलेक्ट, तो देखो इसमें क्या होता है,
माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर करवाने के लिए अच्छा यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। और जब हम पेशेंट को कहें आपको मेडिस्टेम यूरिन कलेक्शन करना है, तो उससे पहले हमें उसको एजुकेट करना है कि आपको जो आपका जेनाइटेलिया है उसको क्लीन करना है विद प्रॉपर सोप एंड वाटर से। इसको हम ये भी एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो यूरिन कलेक्शन के अंदर काम आते हैं, हमें पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए, कुछ टेस्ट होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, सबसे फर्स्ट वन जो टेस्ट है उसे क्या नाम है उसका, बेनेडिक्ट टेस्ट। और क्यों होता है, किसके लिए करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट? शुगर डिटेक्शन के लिए। ठीक है, शुगर का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है, फेहलिंग टेस्ट। फेहलिंग टेस्ट भी इसी को कहते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड वन जो टेस्ट है इसे हम कहते हैं रोथेरा टेस्ट। और जो रोथेरा टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, रोथेरा टेस्ट हम करते हैं कीटोन बॉडीज और एसीटोन के लिए। नेक्स्ट है हेयर टेस्ट। और हेयर टेस्ट को हम किसके लिए करते हैं, पूछा भी जाता है हेयर टेस्ट के बारे में, तो बाइल साल्ट के लिए। यूरिन के अंदर बाइल साल्ट है कि नहीं है उसको असेस करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं क्या नाम है, हेयर टेस्ट। फोर्थ वन जो टेस्ट है इसको हम क्या कहते हैं, हॉट टेस्ट। और हॉट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एल्बुमिन की प्रेजेंस को देखने के लिए यूरिन में। ठीक है, एल्बुमिन इन यूरिन को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, हॉट टेस्ट। एंड फिफ्थ वन जो टेस्ट है उसे उसका क्या नाम है, कोल्ड टेस्ट। कोल्ड टेस्ट किसको असेस करने के लिए किया जाता है, ये भी जो है यूरिन यूरिन में एल्बुमिन के डिपोजिशन को या फिर यूरिन में एल्बुमिन को फाइंड आउट करने के लिए, हॉट टेस्ट एंड कोल्ड टेस्ट दोनों इसी के लिए जो है पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए एहलिस टेस्ट। एहलिस टेस्ट किसको पता लगाने के लिए करते हैं, डिटेक्ट यूरोबिलिनोजन। ठीक है, अगेन मैं डिमांड करवा रहा हूँ आपको, ये जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है ये कैसे हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जाम है, तो आपको थ्योरी में से अच्छे खासे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल में कम, और थ्योरी से आपको ज़्यादा एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो सबका जो है बेसिक अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। और ये सारे हम जो टेस्ट पढ़ रहे हैं किसके हैं, यूरिन टेस्ट है सारे के सारे, किसके लिए होते हैं वो भी सारे सारे क्या है हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है अपना सेवन्थ नंबर, कौन सा टेस्ट है, स्मिथ टेस्ट। और जो स्मिथ टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, बाइल पिगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, बाइल साल्ट के लिए अलग है और बाइल पिगमेंट के लिए अलग है। बाइल साल्ट के लिए हेयर टेस्ट और बाइल पिगमेंट के लिए स्मिथ टेस्ट। अब देखिए आप इन टेस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो भी देखिए बेनेडिक्ट टेस्ट शुगर कलेक्शन के लिए, तो नॉर्मल अगर शुगर रहती है तो उसके लिए जो है क्या हम डिनोट करते हैं, ग्रीन। नॉर्मल से ज़्यादा क्या रहता है, ठीक है, येलो। येलो के बाद में क्या आता है, ऑरेंज। ऑरेंज के बाद में क्या आता है, रेड, ब्रिक रेड कलर। तो ब्रिक रेड में जो है शुगर जो है कितना कलेक्शन आपको देखने को मिलता है, +4। ठीक है, और ग्रीन के अंदर कितना देखने को मिलता है, +1। और येलो के अंदर +2। और ऑरेंज कलर डिपॉजिट मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, +3 आपको जो है मार्किंग देनी होती है। ठीक है, और ब्लू कलर अगर आया, ब्लू कलर में शुगर क्या रहती है, नील। यहाँ पे पेशेंट के यूरिन में क्या है, शुगर बिल्कुल नहीं है। तो ब्लू कलर में नील, ग्रीन आ रही है तो +1, येलो आ रहा है +2, ऑरेंज आ रहा है तो +3, और रेड आ रहा है तो ब्रिक रेड आ रहा है तो +4। इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, कैसे करोगे, 5 ml में आप मेंडिक सॉल्यूशन को लोगे और 8 drop जो है यूरिन की इसके अंदर हम डालते हैं। नेक्स्ट देखिए रोथेरा टेस्ट। तो रोथेरा टेस्ट के अंदर क्या होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है अगर इसके अंदर कीटोन बॉडीज होती है तो। ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी, R से रोथेरा, R से रिंग। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे।
नेक्स्ट जो टेस्ट है वो कौन सा है, हेयर टेस्ट। तो हेयर टेस्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हम सल्फर पाउडर का यूज में लेते हैं, ठीक है। तो सल्फर पाउडर जो है यहाँ पे क्या रहता है, लोअर सरफेस के अंदर आके जमा हो जाता है हेयर टेस्ट के अंदर, तो वो हम क्या इंडिकेट करता है, इसमें क्या है, बाइल साल्ट है। नेक्स्ट हॉट टेस्ट एंड कोल्ड टेस्ट, यहाँ पे दोनों में क्या मिलेगा आपको, क्लाउडी अपीयरेंस देखने को मिलता है, तो उसके अंदर क्या है आपको समझना है कि वहाँ पे क्या है, एल्बुमिन प्रेजेंस है। और एहरलिस टेस्ट के अंदर कैसा कलर आता है, पिंक कलर, तो क्या है यहाँ पे, ठीक है, यूरीबिलिरोजन, ठीक है। एहरलिस टेस्ट के अंदर जो है पिंक कलर आपको देखने को मिलता है, तो और साथ में क्या होता है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की लेयर भी बनती है, ठीक है। 5 ml यूरिन लेते हैं, 5 ml एहरलिस आपको रिएजेंट लेना होता है, फिर इसको जो है आपको मिक्स करना होता है 10 मिनट्स तक। 10 मिनट्स के बाद में इसके अंदर सेचुरेटेड सोडियम एसिडेट को मिक्स करते हैं, उसके बाद इसका कलर निकलता है, कैसा निकलेगा, पिंक कलर का। एंड लास्ट में जो टेस्ट है स्मिथ टेस्ट, किसके लिए होता है, बाइल पिगमेंट। तो स्मिथ टेस्ट के अंदर कैसी रिंग बनती है, ग्रीन रिंग टेस्ट। तो ग्रीन रिंग बन रही है तो मतलब क्या है, यहाँ पे बाइल पिगमेंट है। तो इस प्रकार से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, 2 to 3 hours का टॉपिक है पूरा यूरिन कलेक्शन। तो इसको हमने जो है 5 to 8 minutes के अंदर हम इसको समझने का कोशिश की है। आगे से हम इसको टॉपिक को टच नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट MCQ अपना, विच टाइप ऑफ यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन इज रिकमेंडेड फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ सर्टेन एनालिट्स सच एज क्रिएटिनिन, यूरिया एंड सोडियम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टाइप का कलेक्शन है यूरिन स्पेसिमेन का जो कि रिकमेंड होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, किसके एनालिसिस के लिए, क्रिएटिनिन के, यूरिया के और सोडियम के, ठीक है। तो इस टाइप का यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, मिड स्ट्रीम क्लीन कैच स्पेसिमेन, टाइम कलेक्शन स्पेसिमेन, कलेक्शन फ्रॉम कैथेटर एंड ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन, या फिर सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा अपना, ऐसा कौन सा मेथड है यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन का जो रिकमेंडेड रहता है सर्टेन एनालिसिस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिनिन, यूरिया, सोडियम। तो देखिए इस टाइप के मेथड को हम क्या कहते हैं, टाइम्ड कलेक्शन स्पेसिमेन, ठीक है। इस टाइप के मेथड को क्या कहते हैं, टाइम्ड कलेक्शन स्पेसिमेन। तो ये जो जनरली है इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं किसके बारे में, क्रिएटिनिन, यूरिया, पोटेशियम, यूरिक एसिड, कैल्शियम सिट्रेट, कोर्टिसोल, इन सब का मेजरमेंट करने के लिए हमें कौन से मेथड का यूज में लेना होता है, टाइम कलेक्शन मेथड का हमें स्पेसिमेन का यूज में लेना होता है। जब इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको जो बताया जाता है वो करते हैं कि भाई आपको फुल डे या फिर MCQ पूछते हैं कि 24 hours यूरिन स्पेसिमेन करना है, वो किस में आता है, टाइम कलेक्शन स्पेसिमेन के अंदर। तो ड्यूरिंग 24 hour कलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, टोटल जितना भी चाहे एक ड्रॉप भी अगर यूरिन पास हुआ तो उसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और कलेक्ट करने के बाद में उसको हम यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के अंदर या फिर रूम टेम्परेचर के अंदर यहाँ पे उसको प्लेस करते हैं, मतलब अगर उसको बॉवल मूवमेंट भी होगा तो उस टाइम पर भी उसका हम यूरिन कलेक्शन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम किसी प्रकार का गैप हम यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि इसको हम क्या, इसको हमने क्या कहा गया है, टाइम्ड कलेक्शन स्पेसिमेन, ओके। तो जब इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो ड्रॉप है, फॉर एग्जांपल आपको 8 AM से लेके नेक्स्ट डे 8 AM तक आपको क्या करना है, कलेक्शन करना है। सबसे पहले आपको करना है इस 8 AM वाले जो यूरिन स्पेसिमेन को करना है, डिस्कार्ड करना है, ठीक है। उसके बाद से आपको जो है क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वॉइडिंग को क्या करना होता है, डिस्कार्ड, उसके बाद में यहाँ से 8 AM से आप शुरू करना, 8 AM पे आप डिस्कार्ड करवा दो, 8 AM के बाद में आप नेक्स्ट 8 AM तक क्या करना है, नेक्स्ट 8 AM वाले को डिस्कार्ड नहीं करना है, इसको हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है कलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अराउंड 2 to 3 liters ऑफ यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है बॉटल को रखना होगा, उसी के मेजरमेंट को देखते हुए, क्योंकि जनरली एक पर्सन जो है 2000 ml तक जो है यूरिन पास कर सकता है पर डे। चलिए तो इस टाइप के मेथड को हम क्या करते हैं, टाइम्ड कलेक्शन स्पेसिमेन। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, मिड स्ट्रीम पढ़ लिया हमने, टाइम्ड कलेक्शन पढ़ लिया, ठीक है। अब है कलेक्शन फ्रॉम कैथेटर ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिरिंज का यूज करते हैं, ठीक है। ब्लड सैंपल को यहाँ पे सिरिंज से कलेक्ट करते हैं इसके अंदर हम। नेक्स्ट जो है पहले सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन, तो सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, नीडल को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम एब्डोमिनल वॉल। यहाँ पर जो है हमें स्टेरिलिटी का पूरा ध्यान रखना होता है क्योंकि एक प्रकार से इन्वेजिव हो गया, ठीक है। तो स्टेरिलिटी का जो हमें यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट
एक मेथड और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बैग कलेक्शन। और जो ये बैग कलेक्शन होता है किसमें काम में आता है, पीडिया के अंदर। अब देखिए, आपने क्या पढ़ा, टाइम कलेक्शन स्पेसिमेन पढ़ा। एक टाइप होता है 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन, ये भी मैंने आपको जो है स्लाइटली थोड़े बहुत अपने सिमिलर ही होते हैं टाइम कलेक्शन और 24 आवर्स। अब यहाँ से क्या हमसे क्यों पूछते हैं कि हम जब 24 आवर्स के लिए यूरिन को हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया जाता है। तो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स को हम यहाँ पे यूरिन कलेक्शन हम यहाँ पे प्रिजर्वेटिव को ऐड करेंगे ताकि सैंपल जो है वो डिस्कार्ड ना करना पड़े, अच्छे से वो है जो मेंटेन रहे सैंपल। तो देखिए क्या क्या रहता है इसके अंदर, HCl को रख सकते हैं, फॉर्मलिन। नेक्स्ट क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इनको हम यहाँ पे 24 आवर यूरिन कलेक्शन के अंदर काम में लेते हैं, 24 आवर यूरिन कलेक्शन। तो काफ़ी अच्छा MCQ बनेगा अगर यहाँ से MCQ एग्जाम में देखने को मिलता है हमें तो। और क्या ऐड करते हैं इसके अंदर, एक MCQ बन सकता है बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का भी हम यहाँ पे प्रिजर्वेशन के अंदर, यूरिन कलेक्शन को प्रिजर्वेशन के अंदर बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए यूरिक एसिड का भी यूज में लेते हैं। नेक्स्ट MCQ, फॉर विच एक्सपोजर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस इज नॉट गिवन। ठीक है, ऐसा कौन सा एक्सपोजर है जिसमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस जो है रिकमेंड नहीं होता है। ठीक है, फॉर विच एक्सपोजर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस PEP नॉट रिकमेंडेड नॉट गिवन, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और टेटनस। क्या आंसर रहेगा जिसमें हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस का नीड नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टिटनेस के लिए हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस यहाँ पे है जनरली काम में नहीं लेते हैं, इन कंपेरेटिवली टू HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ठीक है, ये तीनों जो है कंडीशन है, HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरल मार्कर्स कंडीशन है। ठीक है, तो इनमें जो है हम क्या करते हैं, स्पेशली पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस को यहाँ पे काम में लेते हैं टिटनेस के अंदर। इन तीनों के कंपेरिजन में टिटनेस के अंदर हम यहाँ पे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस को काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, ये MCQ पूछा गया था, आंसर क्या था इसका, टिटनेस। डॉक्टर ऑर्डर्स द रिमूवल ऑफ NG ट्यूब फॉर ए पेशेंट, द नर्स फॉलोज द ऑर्डर एंड रिमूव इट, सी नोज दैट आफ्टर द रिमूवल ऑफ NG ट्यूब इट हैज़ टू बी डिस्कार्डेड इन। ठीक है, NG ट्यूब को डिस्कार्ड करने के बाद में कहाँ पर हमें उसको, NG ट्यूब को रिमूव करने के बाद में कहाँ पर हमें उसको प्लेस करना चाहिए, यह आपको पूछा गया है, येलो बिन में, रेड बिन में, ब्लू बिन में या फिर ब्लैक बिन में। तो ये जो आपका टॉपिक आया है, यह है BMW वेस्ट मैनेजमेंट से। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से ये टॉपिक है। तो देखिए इसके अंदर चार टाइप के आपके कंटेनर देखने को मिलते हैं जनरली, फर्स्ट वन इज येलो, सेकंड वन इज रेड, थर्ड वन इज ब्लू एंड लास्ट इज वाइट। तो हम वाइट की बात करें तो वाइट में क्या आपको देखने को मिलता है, कंटामिनेटेड शार्प्स। ठीक है, शार्प जो होते हैं वो कंटामिनेटेड वाले शार्प्स। को हम किस में यहाँ पे प्लेस करेंगे, वाइट के अंदर, फॉर एग्जांपल स्कैल्पल्स जो ड्यूरिंग सर्जरी या फिर ड्यूरिंग प्रोसीजर काम आती है, नीडल्स, सूचर नीडल्स और क्या, सीरिंज विथ फिक्स नीडल। ठीक है, ऐसी सीरिंज जिनके ऊपर नीडल फिक्स रहती है उन सभी को किस में डालना होता है, वाइट के अंदर। नेक्स्ट ब्लू, ब्लू के अंदर क्या आता है, ग्लासवेयर आइटम्स। ठीक है, ग्लासवेयर या फिर इसमें क्या आते हैं, मेटलिक इम्प्लांट्स। ठीक है, मेटलिक इम्प्लांट जो बॉडी के अंदर प्लेस किए हुए हैं। ठीक है, मेडिकल जो मेटलिक बॉडी इम्प्लांट्स हो गए, टेस्ट ट्यूब्स, ये सब किस में आती है, ब्लू के अंदर। ठीक है, इसके हमें जो रेड है, रेड का मतलब रेड से, आर से रेड और आई से रिसाइकलेबल। तो ऐसे कंटेमिनेटेड वेट्स जो प्लास्टिक वेट्स होते हैं उनको रिसाइकल किया जा सकता है, और वो किस पे आते हैं, रेड के अंदर। कौन कौन से आएंगे, ऑल प्लास्टिक ट्यूबिंग्स, सभी प्रकार की प्लास्टिक ट्यूबिंग्स। कौन कौन सी, कैथेटर, ड्रेन, यूरोबैग, सिरिंज। ठीक है,
ये सब चीज़ें, ग्लोव्स, वैक्यूम टायर नीडल, ये सब किस में आती है? रेड में आती है। तो आपका जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो भी किस में आती है? प्लास्टिक है। तो ये किस में आएगी? आपकी रेड बिन के अंदर में क्या करना होगा? उसको डिस्कार्ड करना होगा। तो लास्ट बचता है येलो। येलो के अंदर हम क्या करते हैं? कंटामिनेटेड बॉडी फ्लूड्स एंड ब्लड्स, ठीक है। ब्लड कंटामिनेटेड या फिर कोई बॉडी या फिर बॉडी फ्लूड से या फिर ब्लड से कंटामिनेटेड हो, उसको हम यहाँ पे किस में डालते हैं? येलो के अंदर। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, फॉर एग्जांपल कोई सर्जरी किया तो जो सर्जरी में जो वेस्ट निकला उसको यहाँ पे येलो में डालेंगे, ठीक है। और जो गाउन हम पहनते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, कैप, मास्क, ये सब किस में जाता है? येलो के अंदर जाएगा, ठीक है। ड्रेसिंग मटेरियल किस में? कॉटन, गोज, बैंडेज, ये सब किस में जाएगा? येलो के अंदर। और जो एक्सपायर्ड मेडिसिन वगैरह, ठीक है, ये सब भी किस में जाता है? येलो के अंदर। और स्पेशली ब्लड बैग, ब्लड बैग भी किस में जाता है? येलो के अंदर। चलिए, ब्लैक के अंदर तो हम जनरल वेस्ट वगैरह डालते हैं। तो आपके एमसीक्यू जो है इनसे पूछ रहा था कि ये कहाँ पे काम में लेते हैं, कैसे काम में लेते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एज ए नर्स आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अपना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहता है बीएमडब्ल्यू वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से सेग्रीगेट करवाने का और अच्छे से जो है उसका ट्रीटमेंट करवाने का, ठीक है। WHO रिकमेंडेड टाइम फॉर हैंड वॉशिंग, WHO ने जो है हैंड वॉशिंग के लिए कितना टाइम यहाँ पे रिकमेंड किया गया है? 20 to 30 seconds, 40 to 60 seconds, 1 to 3 minutes या फिर 3 to 5 minutes। हैंड वॉशिंग के लिए कितना, सॉरी, हैंड रब से हैंड वॉशिंग के लिए कितना टाइम जो है WHO ने रिकमेंड किया है कि आपको, अगर हैंड रब से अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो आपको कितने टाइम तक आपको जो है क्लीनिंग करनी होगी? तो यहाँ पे अपना जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा, अगर आप हैंड रब से हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, आंसर क्या रहेगा? 20 सेकेंड मिनिमम, ठीक है। तो 20 से 30 सेकेंड्स तक हमें क्या करना होगा? हैंड वॉशिंग करनी होगी। हैंड रब से हमें क्या करना होगा? हैंड वॉशिंग में। और जनरल अगर हैंड वॉशिंग कर रहे हैं हम, तो उसके लिए कितना मिनट, कितना सेकंड रहता है? 40 to 60 seconds अपने जो है जनरल हैंड वॉशिंग के अंदर जो है काम में लिया जाता है। स्क्रबिंग का टाइम अलग है, ठीक है, और हैंड वॉशिंग बाय रब, बाय हैंड रब से इसका टाइम ड्यूरेशन जो है अलग रहता है। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन से मेथड होते हैं हैंड वॉशिंग के या फिर मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग, ये जो है अभी करंटली ट्रेंडिंग में एमसीक्यू है। मूवमेंट कौन कौन से हैं? तो 5 types के मूवमेंट हम पढ़ते हैं, उसमें से आपको 3 types के मूवमेंट दे देंगे, फिर आपको पूछ लेंगे एक्सेप्ट करके कि कौन सा नहीं है, ऐसा आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट वन जो होता है बिफोर टचिंग पेशेंट, सेकंड जो है वो है बिफोर क्लीन प्रोसीजर, एंड थर्ड वन भी क्या है, ठीक है, आफ्टर बॉडी फ्लूज एक्सपोजर, रिस्क, फोर्थ वन आफ्टर टचिंग पेशेंट, एंड फिफ्थ वन आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। तो ये 5 जो है यहाँ पे हैंड वॉशिंग के जो है मूवमेंट्स होते हैं, ये अच्छे से याद कर लेना, एमसीक्यू जो है इनसे पूछा भी जाता है और पूछा गया एमसीक्यू है। नेक्स्ट एमसीक्यू, नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ डायग्नोसिस ऑफ MRSA, व्हिल केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट द नर्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट द टाइप ऑफ आइसोलेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस क्लाइंट, ठीक है। MRSA का पेशेंट है तो यहाँ पर किस टाइप का आइसोलेशन का रिक्वायरमेंट होगा? रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, नो आइसोलेशन नीडेड या फिर रिवर्स आइसोलेशन, इस कंडीशन में किस टाइप का आइसोलेशन का नीड होता है? रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, नो आइसोलेशन नीडेड या फिर रिवर्स आइसोलेशन। तो देखिए, MRSA का पेशेंट है,
मेथिसिलिन सेफेलोकोकस का जो पेशेंट है, ये मैंने अपने लास्ट की क्लास के अंदर भी डिस्कस किया है, मैंने वैंकोमाइसिन ड्रग भी पढ़ाई है जो आपके नॉर्सेट मेंस के अंदर इसके एमसीक्यू भी बना है, ठीक है। तो चलिए, ये वैंकोमाइसिन इसके अंदर जो है क्या है इफेक्टिव रहती है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। तो देखिए यहाँ पर, और मैंने ये भी बताया था कि उसमें आइसोलेशन किस टाइप का हम रखेंगे एमआरएसए का पेशेंट के अंदर, तो इस टाइप का एमसीक्यू भी बना के पूछा जा सकता है कि एमआरएसए का पेशेंट है तो वहाँ पे किस टाइप का आइसोलेशन रिक्वायर्ड रहेगा। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा इसमें वो रहेगा कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, ठीक है। कॉन्टैक्ट आइसोलेशन जो है यहाँ पे काम में लिया जाएगा। तो देखिए कुछ टाइप के जो प्रिकॉशंस होते हैं हमें ध्यान में रखना होता है। देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कौन कौन से केसेस में ध्यान रखना है, ठीक है। साइटोमेगालोवायरस, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी एंड सी, इन सब में क्या 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 ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का हमें ध्यान में रखना है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखना सब चीज़ें। सेकंड वन जो है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, तो कॉन्टैक्ट के अंदर हम कौन कौन से वायरस आते हैं, एमआरएसए, इसके बाद में जो पूछा जाता है हर्पीस सिंप्लेक्स, रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस, नेक्स्ट स्कैबीज, ठीक है, चिकन पॉक्स एटसेट्रा। तो ये सारे इनको हम क्या करते हैं कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में रखना है हमें। नेक्स्ट ड्रॉपलेट, तो ड्रॉपलेट के अंदर कौन कौन से आएंगे अपने, पर्टुसिस, नेक्स्ट ड्रॉपलेट के अंदर मेनिंजाइटिस, कब तक रखना है, फॉर 24 आवर्स आफ्टर इफेक्टिव एंटीबायोटिक स्टार्ट। मेनिंजाइटिस के अंदर एमसीक्यू पूछा था कि आइसोलेशन का रिक्वायरमेंट कब तक होता है, फॉर 20 आवर्स आफ्टर इफेक्टिव एंटीबायोटिक थेरेपी। इसके बाद में मम्स, नेक्स्ट रूबेला, इनको क्या करना है हमें आइसोलेशन के अंदर रिक्वायरमेंट होता है। इसके बाद में लास्ट वन जो है वो कौन सा है, एयरबोन, तो एयरबोन के अंदर हम किस किस को रखते हैं, हर्पिच जोस्टर, चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स को हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट में भी रखेंगे और एयरबोन के अंदर भी इंक्लूड करते हैं, और मीजल्स, इन सबको हम यहाँ पे इन सब प्रिकॉशंस के अंदर प्लेस करते हैं। और ये सब सारे जो कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट और एयरबोन्स, ये किसके अंदर देखने को मिलते हैं आपको, ट्रांसमिशन बेस्ड आइसोलेशन। चलिए, और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन अपना एक अलग से आइसोलेशन है, ठीक है, और ये सारे किसमें आता है, ट्रांसमिशन बेस्ड आइसोलेशन में। और दो टाइप होते हैं आइसोलेशन के, ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड, दूसरा ट्रांसमिशन। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो अगेन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके K3SC के लिए, ठीक है, और RML SGPJ और स्पेशली आपके ESIC के लिए। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।